हमारा पहला क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अवंती। और अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा शिशुनाग ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा काशी। हमारा अगला क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? इस क्वेश्चन को यूपीएससी के एग्जाम में 2000 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, ऑप्शन ए है नंद, ऑप्शन बी है मौर्य, ऑप्शन सी है शुंग और ऑप्शन डी है कनव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंद। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? इस क्वेश्चन को यूपीएससी के एग्जाम में 1999 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, ऑप्शन ए है गांधार, ऑप्शन बी है कंबोज, ऑप्शन सी है काशी और ऑप्शन डी है मगध। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मगध। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जेठक। हमारा अगला क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ क्या होता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा धनी किसान। हमारा अगला क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? इस क्वेश्चन को यूपीपीसीएस के एग्जाम में 2007 ईस्वी में भी पूछा गया है और उसके बाद फिर 2011 ईस्वी में भी पूछा गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इस क्वेश्चन को 48वीं और 52वीं बीपीएससी के एग्जाम में 2008 ईस्वी में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लिच्छवी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इस क्वेश्चन को यूपीपीसीएस के एग्जाम में 2008 ईस्वी में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। हमारा अगला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? इस क्वेश्चन को यूपीपीसीएस के एग्जाम में 2017 ईस्वी में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था?
इस क्वेश्चन को एनडीए के एग्जाम में 2019 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, ऑप्शन ए है तीस्ता, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है तुंगभद्रा और ऑप्शन डी है भरतपुझा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झेलम। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा देश है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्जमबर्ग। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसे रेलवे स्टेशन का नाम बताएं जो कि दो राज्यों में आता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नवापुर रेलवे स्टेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिन में लगातार दो बार गायब होने वाले मंदिर का नाम बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्तंभेश्वर मंदिर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा फल है जो किसी भी पेड़ पर लगने वाला सबसे बड़ा फल है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कटहल। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल के घंटी के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। We'll be right back.